हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम आपके सिलेबस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो इमेज दिखाई गई है, ये एक सेल की इमेज दिखाई है आपको। ठीक है, ये जो सेल है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, अगर ये एनिमल सेल है तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें। ठीक है, एंड देन उसके अंदर में जो ये ग्रीनिश पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनलेज जैसे राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे लोकेटेड हैं उस पार्ट में, उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ये सेंटर में देखो, ये ब्लूइश पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बारे में भी हम डील करेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल होता है, ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, वेरस ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती हैं, उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ठीक है, और जो एनिमल सेल्स होती हैं, उनमें वैरायटी ऑफ शेप्स पाई जाती हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं, उनमें एक स्पेसिफिक शेप पाई जाती है। ठीक है ना, इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो एनिमल सेल होती है, उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की क्या होती है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं पूछू आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे सेल वॉल, क्योंकि वो उसको रिजिडिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करती है प्लांट को। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। ठीक है, ये रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग मतलब डेड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, सेल वॉल क्या है? डेड स्ट्रक्चर है। ये जो सेल वॉल है, ये सेल्युलोज की बनी है। अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, प्लांट सेल्स दिखाए गए हैं, तीन सेल्स दिखाए गए हैं प्लांट्स के। तो यहाँ पे जो येलो इश कलर, जो अभी मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर में ये जो दूसरी मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखी है, ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, और इसके बाहर में भी एक ग्रीन पार्ट है, ये भी क्या है? सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल होती है ना, ये क्या होती है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। दो लेयर्स है ना, एक इनर है, एक आउटर है। जो आउटर लेयर है, ये क्या है? प्राइमरी ग्रोथ को शो करती है प्लांट की। और जो इनर लेयर होती है, ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, देन हम देखते हैं जो एक सेल, ये वाली सेल एक सेल है, ठीक है, ये वाली दूसरी सेल है। तो ये दोनों जो सेल्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होती हैं। किसके थ्रू ज्वाइन हो रही है? लैमेले के थ्रू। देखो ये ऑरेंज ऑरेंज पार्ट जो हमें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे लैमिले, जो एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारी सेल वॉल है। सो अभी हम सेल वॉल के कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे। जो सेल वॉल होती है, ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप सेल को, जो कि प्लांट के केस में जरूरी होती है, इसलिए सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स के केस में क्या होता है? फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है। सो जो एनिमल्स होते हैं, उनमें वैरायटी ऑफ शेप्स पाई जाती है सेल की। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब ये अलाउ करती है सब्सटेंसेस को कि वो इसके थ्रू पास कर सके। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, ये बनी होती है सेल्युलोज की। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगी? जैसे देखो, हमने जो एनिमल सेल है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो ज्यादा है, और उसमें एक हमने प्लांट सेल रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा इस सेल में, क्योंकि ये इसको क्या कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल। ठीक है, वेयर एज अगर हम एनिमल सेल को इसके अंदर रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा? एनिमल सेल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा उससे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल्युलोज की बनी होती है, और ये परमिएबल होती है,
अलाउ करती है सब्सटेंसेस को कि वो एंटर और एग्जिट कर सके। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस होता है ये हेडक्वार्टर बोला जाता है इसको सेल का, क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्ट और कंट्रोल न्यूक्लियस के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक अगर सेल्स की मैं बात करूं, हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, वेयर एज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डिफाइंड मतलब एक मेम्ब्रेन, प्रॉपरली मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है ना उसी के अंदर न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर पार्ट होगा हमारा रहेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल को कवर करके रखेगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी सेल को कवर करके रखेगी उसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हमें इस इमेज में दिखाया गया एक न्यूक्लियर पार्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कहाँ से, न्यूक्लियस से भी कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल अगर हमें साइटोप्लाज्म में भेजना है तो इन पोर्स के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म से बाहर अगर सेल के लेके जाना है तो वो हेल्प करती है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल या कोई भी चीज हमें साइटोप्लाज्म में लेके जानी है तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा न्यूक्लियस का पार्ट था। अभी न्यूक्लियस जो है ये मेनली क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं मटेरियल की मूवमेंट को, कि कौन सा सब्सटेंस या मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आना है और कौन सा बाहर जाना है। फिर हम देखते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमेटीन होगा। क्रोमेटीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटीन होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमेटीन मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, डीएनए होगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो क्रोमोसोम्स होंगे ना वो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे इनहेरिटेंस की, मतलब जो भी पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स या जो भी फीचर्स इनहेरिट या ट्रांसफर के बारे में, कि कितने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो कैरेक्टर्स या फीचर्स गए हैं, उनके बारे में कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियस के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो गई है। न्यूक्लियस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखते। न्यूक्लियस के बाद अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। देखो ये ग्रीन वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है इसके बाहर। सो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जेल लाइक फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। देखो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और इसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जेल लाइक फ्लूइड होगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको समटाइम्स डिस्क्राइब किया जाता है नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है तो नॉन न्यूक्लियर कंटेंट होगा सेल का। देन जो सेलुलर कंटेंट होता है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंटेंट विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। अब मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उसमें एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, तो जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा, ठीक है। वेयर एज जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, अब ये मैं अगर आपको बताऊं कि ये कौन से टाइप की सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो आप अच्छे से बता पाओगे कि ये यूकैरियोटिक है। कैसे पता चला, क्योंकि जो न्यूक्लियर कंटेंट है ना इसको किसने कवर करके रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है, ठीक है। सो ये यूकैरियोटिक सेल दिखाया गया हमें।
जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स हमने अभी अभी पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसके कंटेंट को कवर करके रखती है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो सेल का होता है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 70-90% वाटर होता है और ये जनरली कलरलेस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेन कंपोनेंट्स की, तो इसमें साइटोप्लाज्म में मेन कंपोनेंट्स जैसे इंक्लूजन्स, ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल होता है, ठीक है। ये तीन मेन कंपोनेंट्स मेनली पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। सो अभी यहाँ पे जो इंक्लूजन टर्म है इसको यूज किया गया, मतलब जो फॉरेन सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन्स बोलेंगे। जैसे फैट ड्रॉपलेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स कंटेन्ड होंगे उसको क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन्स बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी इनको बोल सकते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेनेल्स जैसे कि हमारा हो गया गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल पाए गए हैं। एंड देन थर्ड वन इज साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, यहाँ पे मतलब जितना भी मैट्रिक्स और फ्लूड कंटेंट होगा ना साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। सो ये हमारा था साइटोप्लाज्म के बारे में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सबको अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।